दोस्तों, ऐसा पौधा जो फ्री में हमारे घर की हवा को फिल्टर करे, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन दे, जितनी भी हानिकारक गैसें हमारे घर में घूमती रहती हैं उन सभी को अवशोषित करता है, इसका नाम है स्नेक प्लांट। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। ये पौधा हर घर में ज़रूर होना चाहिए। दोस्तों, प्लांट्स से हमारा रिश्ता बहुत ही अटूट है। जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ऑक्सीजन, वो हमें इन्हीं से मिलती है। स्नेक प्लांट बहुत ही रिच ऑक्सीजन प्लांट है। दोस्तों, स्नेक प्लांट बहुत ही कम देखभाल में चलने वाला प्लांट है। इस प्लांट को अगर आप ऐसे ही छोड़ दें, 10-12 दिन भी पानी ना दें, तो भी ये प्लांट अच्छे से चलता रहता है। इसकी बहुत सारी वैरायटी आती हैं, 70 से भी ज़्यादा वैरायटीज़ प्लांट की आती हैं, छोटी बड़ी पत्तियों वाली, बहुत तरह की पत्तियों के आपको स्नेक प्लांट मिल जाएंगे। मेरे पास ये वाला स्नेक प्लांट काफ़ी लंबी पत्तियों वाला है। इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है और ये पुराना प्लांट है। बहुत ही स्लो ग्रोथ होती है स्नेक प्लांट की। देखिए, इसमें अब नई पत्ती आने वाली है। स्नेक प्लांट ऐसे चुनिंदा पौधों में से है जो रात को कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदल सकते हैं। तो ये प्लांट बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देता है और एक ही पौधे से देखिए कितने सारे नए नए पौधे बनते रहते हैं। ये वाला प्लांट जब मैं लाई थी, इसमें दो प्लांट थे, इसीलिए मैंने ये लिया था कि एक के साथ मुझे दो पौधे मिल रहे हैं। लेकिन 1-1.5 महीने के अंदर ही देखिए इसमें दो प्लांट और निकल आए हैं। तो बहुत ही अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। दो और छोटे छोटे से प्लांट निकले हैं और मुझे उम्मीद है अभी साइड में भी इसमें निकलेंगे। लेकिन जब तक पूरा गमला नहीं भर जाता, हम इसको नहीं निकालेंगे। स्नेक प्लांट को बहुत जल्दी जल्दी रिपोर्ट ना करें। जब गमला पूरा भर जाए, लगे कि अब इसमें ये नहीं चलेगा, तभी आप इसको निकालें और इन प्लांट्स को अलग करें। तब तक एक साथ रहने दें और इनकी जो ग्रोथ है वो अच्छी होती जाएगी, तो आपको फिर हेल्दी प्लांट मिलेंगे। देखिए, इस तरह से जैसे कि ये वाला प्लांट है, अब जब भी मैं इसको अलग करूँगी तो पूरा एक बिल्कुल हेल्दी प्लांट हमें मिलेगा। ऐसे ही ये इधर वाले भी बड़े हो जाएंगे। तो एक पौधे से कम 4-5 पौधे हमारे बन जाएंगे जो बहुत ही बढ़िया हमारे घर के लिए होंगे। तो आप स्नेक प्लांट को ज़रूर लगाएं दोस्तों। ये हमारे घर के लिए इनडोर बहुत ही अच्छा प्लांट है। जहाँ पर कम लाइट आती है, वहाँ पर भी ये प्लांट बहुत अच्छे से चलता है। इसकी मिट्टी आप दो तरह से बना सकते हैं। ये वाला प्लांट मेरा कोकोपीट में लगा हुआ है। कोकोपीट, बजरी और कंपोस्ट। बजरी देख सकते हैं आप, और थोड़ा बहुत इसमें कोयला भी पड़ा हुआ है। कोकोपीट में एक ही प्रॉब्लम रहती है, देखिए ऊपर से ऐसे लगता है जैसे सूख गई हो, लेकिन आप नीचे से इसको इस तरह से देखेंगे तो देखिए कितनी गीली है अभी। तो गर्मी में भी इसको 7-8 दिन पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और सर्दियों में तो 15 दिन में एक बार ही पानी इसमें देना पड़ेगा। तो कोकोपीट में पानी बहुत कम चाहिए, लेकिन मिट्टी बहुत हल्की रहती है, पोरस भी रहती है और ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स निकल रहे हैं। तो ये कोकोपीट मिक्स भी काफ़ी अच्छी रहती है। दूसरी तरह की जो मिट्टी है वो आप सैंड मिला के बना सकते हैं, जिसमें मेरा दूसरा प्लांट लगा है, जिसमें गार्डन सोयल, कंपोस्ट और सैंड तीनों चीज़ मिक्स करके मैंने प्लांट लगाया हुआ है। ये भी मिट्टी काफ़ी पोरस रहती है और इसमें भी प्लांट अच्छे से चलता है, लेकिन इसमें कोई भी छोटा प्लांट अभी तक साइड से नहीं निकला है और ग्रोथ भी इसकी बहुत स्लो है। तो स्नेक प्लांट की ग्रोथ वैसे स्लो होती है, लेकिन साइड से प्लांट निकलने चाहिए। तो मुझे लगता है कि कोकोपीट मिक्स में इसकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होती है। तो आप दोनों तरह से कोई भी मिट्टी बना सकते हैं। ये वाला प्लांट भी काफ़ी हेल्दी है और अच्छे से चल रहा है। इसको हम कटिंग से भी लगा सकते हैं, पानी में, मिट्टी में, दोनों तरह से इसकी कटिंग चल जाती है। और एक पत्ती से ग्रो होने वाला प्लांट है। एक पत्ती से ही नहीं, एक पत्ती के भी आप 4 भाग करके इसके 4 प्लांट बना सकते हैं। जैसे कि अभी छोटा सा टुकड़ा है, इसको हम मिट्टी में लगाएंगे। बस आपको ध्यान ये रखना है कि नीचे वाला हिस्सा नीचे मिट्टी में लगना चाहिए, उल्टा बिल्कुल ना लगाएं इसको। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखें। और एक पत्ती में से भी 4 भाग काट के आप इसकी 4 कटिंग्स बना सकते हैं। तो इस तरह से हमें मिट्टी में लगाना है छोटे छोटे टुकड़े इसके पत्ती के। एक पत्ती से ही हम 3-4 इस तरह से टुकड़े लगा देंगे और इन्हीं से हमारे अलग अलग प्लांट बन जाएंगे। और आप पानी में भी इसको लगा सकते हैं। तो मैं आपको दोनों तरह से बता रही हूँ। देखिए, पानी में भी इसकी कटिंग इस तरह से रख देंगे। इसकी कटिंग्स 2.5 महीने या फिर 3 महीने भी लग जाते हैं। बहुत ही स्लो इसकी ग्रोथ होती है। बस पानी इस तरह से आपको स्प्रे करना है, बिल्कुल भी ज़्यादा पानी ना दें, ज़्यादा पानी से ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। ये वाली कटिंग मैंने लगभग 2 महीने पहले लगाई थी। ये मैं आपको निकाल के अभी दिखा रही हूँ। पानी में भी लगाई हुई है और मिट्टी में भी। तो 1.5-2 महीने में
स्टार्ट हो जाती हैं रूट्स बनना, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 से 2.5 महीने भी लग जाते हैं। तो आप थोड़ा वेट करें जब भी इसकी कटिंग लगाएं। तो मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। देखिए पानी वाली कटिंग्स में भी हमारी जो रूट्स हैं वो बनना स्टार्ट हो गई हैं, छोटी छोटी सी, देखिए दिख रही हैं। तो पानी में भी इसकी कटिंग आराम से चलती है, हफ्ते में एक बार पानी को चेंज कर दें तो इस तरह से ये कटिंग हमारी तैयार हो जाएगी थोड़े दिन में, और अभी इसकी रूट्स लंबी हो जाएंगी। इसके अलावा मिट्टी में जो हमने लगाई हैं, देखिए उनमें भी बहुत अच्छे से हमारे रूट्स बन गए हैं, देखिए। तो 2 से 3 महीने के अंदर, 3-3.5 महीने में इसमें से साइड से ही नया प्लांट निकल आएगा, क्योंकि पहले इसकी जड़ बनेगी और फिर नया प्लांट बनेगा। तो इन छोटी छोटी पत्तियों से हमारे नए प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। तो इसको कटिंग से लगाना बहुत ही आसान है। सारी ही कटिंग्स हमारी चल गई हैं, सभी में जड़ें बन गई हैं। इसकी कटिंग्स में पानी बहुत ही कम दें वरना कटिंग गल जाएंगी, बस स्प्रे ही करें। और कोकोपीट में भी आप लगा सकते हैं या फिर सैंड मिक्स मिट्टी में भी आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं, तो लगभग 100% रिजल्ट इसकी कटिंग्स का मिलेगा। दोस्तों ये प्लांट बहुत ही अच्छा लो लाइट इंडोर प्लांट है, जहाँ पर कम लाइट आती है वहाँ पर भी ये प्लांट बहुत अच्छे से चलता है। तो आप ऐसी जगह पर भी इसको लगा सकते हैं जहाँ पर मीडियम सी लाइट हो, कम लाइट हो, और अच्छी लाइट में भी प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है। दोस्तों ये प्लांट हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। ये ऐसे प्लांट्स में से है जो जितनी भी जहरीली गैसें होती हैं जो हमारे घर के अंदर घूमती रहती हैं उन सभी को अवशोषित करता है और हवा को शुद्ध करता है। बहुत ही बढ़िया प्लांट है ये हमारे घर के लिए। इंडोर आप ये प्लांट ज़रूर लगाएं और एक नहीं कई प्लांट्स लगाएं ताकि घर की हवा बिल्कुल साफ़ रहे। इस प्लांट को आप बालकनी में भी लगा सकते हैं जहाँ पर धूप वगैरह नहीं आती है, वहाँ पर भी ये प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा। और किसी भी रूम में भी आप इस प्लांट को रख सकते हैं। इस प्लांट को आसानी से 1 से 2, 2 से 4 आप बना सकते हैं। इसकी छोटी वैरायटी भी आती हैं जिसको आप छोटे गमले में लगाकर भी कहीं भी रख सकते हैं, किसी भी टेबल पर या फिर किसी भी कॉर्नर में। बस आप इस पर स्प्रे करें डेली, और जब भी इसकी पत्तियां आपको गंदी लगें तो इस तरह से आप कपड़े से साफ़ कर दें। हफ्ते में एक बार पत्तियों को साफ़ ज़रूर करें, इससे पौधे पर बहुत अच्छी चमक रहती है, पत्तियाँ बिल्कुल साफ़ रहती हैं, तो इससे पौधा दिखने में भी सुंदर लगेगा और इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। इस प्लांट पर कीड़ा वगैरह बहुत कम लगता है, तो कभी भी कीड़े की प्रॉब्लम नहीं आई है मुझे तो। और फर्टिलाइज़र इस प्लांट को आप 5-6 महीने में एक बार दीजिए, ज़्यादा फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी ना दें इसमें। और वर्मी कंपोस्ट या फिर किचन वेस्ट से बना कंपोस्ट सबसे बढ़िया है, वही आप यूज़ करें। ये प्लांट हमेशा हेल्दी रहेगा। अगर कभी आपको ऐसे लगता है कि ये प्लांट हेल्दी नहीं है, थोड़ा ख़राब सा हो रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा जहाँ पर धूप आती हो ऐसी जगह पर रख दें ताकि इसको 2-4 घंटे धूप मिले, तो ये प्लांट फिर से अच्छा हो जाएगा। दोस्तों ये प्लांट बस एक ही चीज़ से ख़राब होगा, जब इसमें पानी ज़्यादा होगा। ज़्यादा पानी से इसकी जड़ें गल जाती हैं और प्लांट हमारा ख़राब हो जाता है। बाकी और कोई कारण नहीं है जिससे प्लांट ख़राब हो, ये प्लांट हमेशा अच्छे से चलता रहता है। मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। बाय। जय सियाराम।